चले, स्टोरी है हमारी जो ठीक हमने पढ़नी है, द फ्लाई बाय कैथरीन मैंसफील्ड। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको भी भेज देती हूँ। ये मैं भेज रही मैम, हूँ आप एक ईसीआर बात को। आपने मूवी की बात कर रही थी, उसकी ये भी है ना, एक फ्लाई क्रिमिनल स्टोरी तो नहीं लग रही? द किलर्स एक क्रिमिनल स्टोरी है बीए में। एक्चुअली फ्लाई में क्यों पढ़ा रही हूँ, फ्लाई इज सच सॉर्ट ऑफ स्टोरी दैट यू कैन से मोस्ट ऑफ द पीपल इन 21st सेंचुरी दे डू नॉट बिलीव ऑन द रोल ऑफ फेट। बहुत सारों को लगता है कि फेट हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करती, बिकॉज द फेट इज इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन, अ पर्सन मेक्स हिज और हर ओन फेट। तो इसलिए उसकी पहले से प्री डेस्टिन्ड होना या उसकी फेट में सब कुछ लिखा जाना, दैट इज नॉट कन्फर्म्ड, जो कि आजकल के लोगों का जो नजरिया है। लेकिन ये स्टोरी जो है ये फेट पे बिलीव करती है और ये कहती है कि हर इंसान किसी दूसरे, जिस इंसान की भी डेथ होती है उसको वो एक साइकिल चल रहा है, जिसका जहां बस चलता है वहां चलाता है। जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, हम उन्हें मार देते हैं, हमें मारने वाली खालिक की जात है जो हमें मारती है। हम अपने से जो चीज हमसे सबॉर्डिनेट है हम उसको वाइप आउट करते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो हर चीज की किस्मत किसी न किसी तरीके से लिखी होती है जैसे उसकी आनी है। अब आप इस कहानी का टाइटल देखते हैं, दैट इज वेरी मच कॉमन, द फ्लाई, और जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा, सच सच अ मीनेस्ट क्रिएचर जिसको फ्लाई को उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। वाई द राइटर हैज रिटन और टेकन दिस टाइटल लाइक फ्लाई। तो फ्लाई का मैम, एक फ्लाई टाइटल वाली हमने रखना स्टोरी स्टोरी पढ़ी थी ना, फ्लाई जी, वाली हमने एक और स्टोरी भी पढ़ी थी जिसमें वो थी एक फ्लाई बाप अनॉइंटमेंट। हमें वो भी सन एंड फादर की स्टोरी थी जिसमें वो फादर जो है वो अपने बेटे को कुछ एडवाइजेस करता है, रिकमेंड करता है कि उसने लाइफ में पैसा तो बहुत कमाया लेकिन कंफर्ट नहीं लिया। तो अपने बेटे को वो ही मैम कहता है बैंक कि करप्ट पैसा, वाली थी ना, वो वाली बैंक हाँ करप्ट उसका फादर जो हुआ था वही थी। बिल्कुल, जिसमें उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है। तो वो कहता है कि पैसा तो मैंने बहुत कमाया लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं मिला। तो अपने लिए कंफर्ट पहले ढूंढना, पैसा साथ साथ कमाते रहना। तो वो भी, खैर ये कहानी भी फादर की जरूर है लेकिन इसमें सन जो है ही इज नॉट अलाइव, ही इज डेड, एंड द डेथ ऑफ हिज सन इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ पैनिक ऑन द फादर, और हिज सन इज मार्टर्ड, सोल्जर होता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसकी डेथ हो जाती है, और फिर उसको उसकी जो सेमेटरी मीन उसका उसकी ग्रेव होती है जिस सेमेटरी में होती है, सेमेटरी में वो भी बेल्जियम में होता है। यानी अपने बेटे की कब्र पे जाने के लिए भी उसे मुख्तलिफ कंट्रीज का ट्रेवल करना पड़ता है, उस वहाँ पे पहुँच के अपने बेटे के लिए रोजेज रखने पड़ते हैं, जो कि एक कॉमन सी बात है। अगर कोई इस कंट्री में हो, अपने कंट्री में हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक अपने अपने बाप से, अपने बेटे से इस कदर दूर होना और फिर उसके लिए पूरा साल तरसना कि उसके लिए पहले पासपोर्ट चाहिए, वो उस मुल्क में जाएगा तो फिर अपने बेटे से अपने बेटे की ग्रेव को देख सकेगा। तो एक फादर की जो कंडीशन है, ओनली अ फादर कैन अंडरस्टैंड व्हेन ही लूजेस हिज ओनली सन इन द वॉर फॉर द पर्पस, फॉर द पॉलिटिकल पर्पस ऑफ अदर्स। तो इसलिए कहानी में जो फ्लाई का जिक्र है, वो फ्लाई का जिक्र इस तरह है कि उसका बाप कहता है कि अगर मेरे बेटे को उसको बनाने वाला मार सकता है, उसके कब्जे में था उसे मारना, तो मैं भी किसी की जान ले सकता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं एक तरह का रिवेंज लेता है वो फ्लाई से। अब वो रिवेंज कैसे लेता है ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसके राइटर के बारे में मैं आपको बता दूं, कैथरीन मैंसफील्ड वाज एन इंग्लिश राइटर। शी वाज बोर्न इन न्यूजीलैंड इन
1888, इट मींस के वो 19th सेंचुरी की राइटर थी, और 1923 में जाकर उसकी डेथ होती है। और आपको पता है कि 1914 में तो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। वेलिंगटन से ये पढ़ी, उसके बाद क्वींस क्वींस कॉलेज में इसने एजुकेशन ली फॉर 3 इयर्स। देन शी वेंट टू जॉर्ज सी बाउडन, जहाँ पे ये इसने ये चर्च का नाम है, व्हेन शी गॉट मैरिड। उसके बाद इसने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी। मैं हमेशा कहती हूँ कि शॉर्ट स्टोरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज इट इज शॉर्ट, इट इज इजिली कंक्लूडिंग, एंड वी कैन ड्रॉ एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसलिए कैथरीन मैंसफील्ड भी अपनी कहानियों के लिए अपनी शॉर्ट स्टोरीज की वजह से जो है वो ज्यादा फेमस है। दूसरी तरफ मैंने शायद आप लोगों को, मुझे लगता है पिछली क्लास में बताया था, पिछली समरात जब मैं ये किसी फीमेल राइटर की बात कर रही थी, तो मैंने बताया था कि 19th सेंचुरी तक, लाइक 20th सेंचुरी तक, औरतों को परमिशन नहीं थी कुछ भी लिखने की, पब्लिश करवाने की। और इस वजह से, क्योंकि उनको उनकी वो प्रिविलेज नहीं समझी जाती थी। अब जो कैथरीन मैंसफील्ड है, इसकी कहानियां ज्यादातर सोसाइटी या मोरालिटी के गिर्द घूमती हैं, क्योंकि औरतों का जो विजन होता है वो लिमिटेड होता है। वो लिमिटेड क्यों होता है, उसकी वजह उनकी मेंटल एबिलिटी का ना होना नहीं है, उसकी बेसिक वजह ये है कि उनको उनका सर्कल छोटा होता है। दे डू नॉट गो आउट मोर ऑफन, एंड दे ऑलवेज ऑब्जर्व द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। वाइल ऑन द अदर हैंड, मेल्स आर मच ऑब्जर्वर, दे गो आउटसाइड ऑफन एंड दे हैव ब्रॉड सोशल सर्कल। तो इसलिए उनकी राइटिंग में, फीमेल की राइटिंग में ये डिफरेंस होता है बेसिक। तो कैथरीन की जो स्टोरीज हैं, डेफिनेटली वो मोरालिटी की तरफ जाएंगी, क्योंकि फीमेल को घर में रहकर अक्सर मोरालिटी या सोसाइटी ही याद आती है, बिकॉज सोसाइटी बनाने वाली भी और मोरालिटी बनाने वाली भी ये औरतें ही हैं, और दूसरी औरतों का जीना हराम भी इन्होंने किया हुआ है। इसमें मर्दों का कोई कसूर नहीं है। सो कैथरीन मैंसफील्ड रोट मैनी स्टोरीज, लाइक प्रिलूड लिखी इसने, दूसरी गार्डन पार्टी लिखी 1922 में, फिर इसने समथिंग चाइल्डिश लिखा, अ फेरी स्टोरी। देख रहे, इसकी कहानियां जो हैं ये मोस्टली फेमिनिस्टिक हैं। लेटर्स ऑफ कैथरीन मैंसफील्ड फिर इसने लिखे, जिसमें इसने अपने अपने मुख्तलिफ लेटर्स को कंबाइन करके एक कलेक्शन बना के उसको पब्लिश कराया। सबसे मजेदार बात ये थी, जो 20th सेंचुरी राइटर्स को एक एडवांटेज मिला, वो ये था कि इन लोगों के पास अब पब्लिश करने वाली कंपनी आ गई थी। ये तो बेचारे वो लोग थे जिनकी जिनको जिनके काम को कोई पढ़ता ही नहीं था। यहाँ तक कि कीट्स की का बहुत सारा काम उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, पोस्थ्यूमसली पब्लिश हुआ। पोस्थ्यूमस कहते हैं किसी की डेथ के बाद उसका उसके बुक का जो है वो पब्लिश होना। तो बहुत बहुत सालों तक ये बुक्स निग्लेक्ट की जाती रही। उसके बाद जाकर कहीं लोगों ने जब इनकी पुरानी कलेक्शन निकाली, लाइब्रेरीज में से ढूंढी, तो उन्हें पता चला कि जॉन कीट्स नाम का भी कोई राइटर था, बिकॉज एट द एज ऑफ 30 ही पास्ड अवे ड्यू टू ट्यूबर क्लॉसिस, बिकॉज ट्यूबर क्लॉसिस वॉज एन इनक्योरेबल डिजीज एट दैट टाइम। और उसकी हमें अक्सर पोएम के अंदर डेथ विश नजर आती है, ही वांटेड टू लीव दिस वर्ल्ड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पेन ही वाज सफरिंग विद दैट ट्यूबरक्लोसिस। उसी तरह विलियम ब्लेक, इसको विजनरी पोइट कहा जाता था, बट बिसाइड दैट इसे पागल भी कहते थे, दैट ही इज अ फ्रेंटिक, ही इज नॉट मेंटली स्टेबल पर्सन। सेम वॉज द केस विद जॉन कीट्स। तो इन लोगों उन लोगों को तो पब्लिश ही नहीं उनकी बुक्स हुई, और उनके जाने के बाद सदियां पड़ी रही। बाद में लोगों ने देखा कि अच्छा, कोई इस तरह के पोइट भी थे, लेकिन इन जैसी राइटर्स जो कि इसलिए भी ज्यादा फेमस नहीं, लेकिन फिर भी अपने थोड़े काम की वजह से भी इनको एक्नॉलेज कर लिया गया, जिसकी वजह से आज हम इनका जो काम है इस तरह देखते हैं। अच्छा, इसकी जो स्टोरी है थोड़ी सी पढ़ लें स्टार्ट से, या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करनी है? नेक्स्ट क्लास में मैम।